नमस्कार दोस्तों, जॉब्स एंड करियर में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा एनएचबी के बारे में। देखिए, बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट किए थे, सर एनएचबी का कब रिक्रूटमेंट आ रहा है। तो देखिए, रिक्रूटमेंट आ चुके हैं और वो भी एनएचबी का। आपको फुल फॉर्म भी पता है, बहुत सारे लोग पहले मेरे साथ जुड़ के मतलब चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो बहुत सारे दोस्त इस जॉब के बारे में पता नहीं है। तो मैं बता दूँ, एनएचबी का मतलब है नेशनल हाउसिंग बैंक। तो एक बैंकिंग का ऑब्वियसली जॉब है और वो भी नेशनलाइज बैंक है। और ऑब्वियसली इस जॉब के लिए आपको टोटल 36 दिन वैकेंसी दिया जा रहा है, जहाँ पे जनरल मैनेजर के लिए, डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए, मैनेजर एंड अदर्स पोस्ट के लिए वैकेंसी दिया जा रहा है। तो मैं पूरा डिटेल्स यहाँ पे डिस्कशन करूंगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो अगर अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक देर की इस बात की, जाकर अभी फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए डेली बेसिस जॉब अपडेट पाने के लिए। देखिए, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, 2 से 3 मिनट के अंदर आपको जॉब का पूरा डिटेल्स डिस्कस करूंगा। चलो देख लेते हैं आज के जॉब के बारे में। सबसे पहली बात, देखिए नेशनल हाउसिंग बैंक जो है, इसमें आपको जो ऑफर किया जा रहा है, ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया में ही मिलेगा, जहां जहां पे इसका ब्रांचेस है। 36 वैकेंसीज है, जिनमें से जनरल मैनेजर के लिए सिर्फ एक पोस्ट है, डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए 2 पोस्ट है, असिस्टेंट जनरल मैनेजर के लिए 5 पोस्ट है, और आप देख सकते हैं रीजनल जनरल मैनेजर के लिए 8 पोस्ट है, मैनेजर के लिए 6 पोस्ट है, डिप्टी मैनेजर के लिए 10 पोस्ट है, एंड री एडवाइज मतलब एडवर्टाइज कंसल्टेंट सॉरी कंटेक्चुअल के लिए आपको 3 पोस्ट दिया गया है। तो जॉब आपके पूरे सामने ही है, तो जरूर अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट के बारे में बात करूँ तो जनरल के लिए 23 से 32 ईयर्स तक, डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए 23 से 35, असिस्टेंट जनरल मैनेजर के लिए 30 से 45, साथ ही साथ रीजनल मैनेजर के लिए 32 से 50, और जनरल डिप्टी मैनेजर के लिए 40 से 40 55, री एडवाइज मतलब जो लास्ट में जो पोस्ट है, कंट्रेक्चुअल जो पोस्ट है, वो 64 ईयर्स तक आपको एज लिमिट दिया गया है। और यहाँ पे सिलेक्शन होगा शॉर्टलिस्ट और इंटरव्यू, मतलब आपका जो नंबर्स है उस नंबर से आपको सिलेक्शन किया जाएगा, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उसके बाद आपको इंटरव्यू होगा। और सैलरी पैकेज के बारे में बात करें तो 48,170 से 1,29,000 तक पर मंथ आपको सैलरी मिलेगा। एप्लीकेशन के फीस जो है 850 रुपीज़ के आसपास, जनरल ओबीसी के लिए, एससी एसटी फिजिकल हैंडीकेप के लिए 175 रुपीज़ आपको पे करना होगा। एडुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करो तो जनरल के लिए आपको ग्रेजुएट पास होना चाहिए, और साथ ही साथ आपको 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है डिप्टी जनरल मैनेजर पोस्ट के लिए, सॉरी मैनेजर पोस्ट के लिए। जनरल डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए आपको 12 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, साथ ही साथ ग्रेजुएट होना चाहिए, वो भी चार्टर अकाउंट में, और पहले भी पोस्ट जो था वो भी चार्टर अकाउंट में। और असिस्टेंट जनरल मैनेजर के लिए आपको सीएस पास आउट होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी कंप्लीट कर चुके हैं, 8 से 10 साल का आपका एक्सपीरियंस है, तो जरूर अप्लाई करिए। साथ ही साथ आप देखिए, जनरल मैनेजर के लिए आपको ग्रेजुएट पास होना चाहिए और चार्टर अकाउंट से, और साथ ही साथ मैनेजर पोस्ट के लिए आपको 4 साल के एक्सपीरियंस होना चाहिए ग्रेजुएट पास के साथ साथ। डिप्टी मैनेजर के लिए आपको ग्रेजुएट पास होना चाहिए, और आप देख सकते हैं एमबीए, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और 2 ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस भी है। चीफ इकोनॉमिस्ट के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, 15 साल के आपके एक्सपीरियंस भी है, और वो यहाँ पे देख सकते हैं। प्रोटोकॉल ऑफिसर के लिए ग्रेजुएट एंड अदर मतलब इफ एनी डिसिप्लिन के साथ आपको पास आउट होना चाहिए, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप कंप्लीट कर चुके हैं, तो जरूर अप्लाई कर सकते हैं। इसका लास्ट डेट रहेगा 6 फरवरी, उससे पहले का अप्लाई करना होगा। इस तरीके से अप्लाई करेंगे, उसका डिटेल्स में यहाँ पे नोटिफिकेशन में दिया हुआ हूँ, तो इस नोटिफिकेशन में मिलेगा आपको, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाना है, इस जॉब के वेबसाइट को विजिट करना है, उसके नीचे आपको 3 लिंक मिलेगा, इस 3 लिंक में आपको अप्लाई बटन और नोटिफिकेशन दिखेगा। जहाँ पे अप्लाई बटन में क्लिक करेंगे तो इस पे नोटिफिकेशन में क्लिक करेंगे तो इस पेज ओपन हो जाएगा, जो मैं पहले आपको नोटिफिकेशन बोल चुका हूँ वही डिटेल्स यहाँ पे आपके सामने दिया गया है। उसके बाद अप्लाई बटन में क्लिक करना तो इस पेज ओपन हो जाएगा, राइट साइड में आपको अनाउंसमेंट दिखेगा, अनाउंसमेंट में जाकर आप अनाउंसमेंट के ऊपर क्लिक करके पूरा डिटेल्स चेकआउट कर सकते हैं। तो ये था जॉब का पूरा डिटेल्स। तो मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना, इसी तरीके से कंटिन्यूअसली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।